मुंबई की श्रद्धा मर्डर केस के बाद सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे कि मेरा हवाला ऐसा नहीं है या मेरा अवतार ऐसा नहीं है, आप भी देखिए। मुंबई की श्रद्धा मर्डर केस के बाद सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है या मेरा आफताब ऐसा नहीं है। और देखिए क्या कहा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण और देवकी नंदन ने। और लोग सोशल मीडिया पर अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि द कश्मीरी फाइल्स श्रद्धा जैसी लड़कियों को जरूर देखनी चाहिए और आफताब जैसे लड़कों से बचना चाहिए। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? किसने ठेका ले रखा है? आज मुंबई में हमारी एक हिंदू बेटी के 35 टुकड़े कर करके उसे मार कर डाला गया, सब चुप रह गए। इसलिए तो हम बोलते हैं कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, हमारी बेटियों पर सनातनियों पर अत्याचार नहीं होने देंगे। ये भारत अकबर का देश नहीं है, ये भारत सुभाष चंद्र बोस और ये भारत चंद्रशेखर आजाद का देश है, सावधान। हाँ, इसलिए सावधान हो जाओ। ये भारत सनातन के संतों का, स्वामी विवेकानंद, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा, चमीटा वाले बाबा, सन्यासी बाबा, पूज्य श्री महंत बाबा, पूज्य श्री पुरुषोत्तम दास बाबा, श्री दंदरुआ सरकार जैसे संतों का देश है ये भारत। अब भैया न्यूज आ रही है, तुम बोलो ना मानियो। श्रद्धा, एक बच्ची का नाम है श्रद्धा, जिसके 35 टुकड़े कर दिए गए। कितने? जोर से बोलिए। अगर हाथ पांव गर्दन ये भी अलग अलग करते तो 7-8 में सिलट जाता मामला। 35 किए गए। कितने? रीजन क्या था? आजकल बेटियां ये समझती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं होगा। जो ये समझती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं होगा, मैं व्यास पीठ से कहना चाहता हूं, जो ब्लड में अच्छाई या बुराई रहती है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा रहती है। आप उस क्रूरता के बारे में सोचिए कि 35 टुकड़े किए और ऐसे ही नहीं, फ्रीज में 18 दिन रखा और एक एक टुकड़े को एक एक जगह पर फेंकने 18 दिन लगा रहा। 35 दिन पूरे हो जाते शायद निकल जाता वो दिल्ली से।